जोधपुर की कायलाना झील पर फिलहाल हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यह नज़ारा काफ़ी दिलकश है। झील काफ़ी बड़ी है, पथरीला इलाका है और इस पहाड़ को कुछ इस अलग ही अंदाज में कुदरत ने तराशा है कि इसके अंदर इतनी जगह बन गई है कि जब भी यहाँ बरसात होती है तो काफ़ी पानी इकट्ठा हो जाता है। अमूमन ये माना जाता है कि जोधपुर जैसी जगह जहाँ पर पानी की काफ़ी कमी होगी, काफ़ी परेशानी होगी और जाहिर सी बात रहती भी है, लेकिन कुदरत ने इस इलाके के अंदर पानी की इतनी जो है जो नेमत बरसाई है और उस चीज़ को इकट्ठा करने का एक ऐसा जो है रास्ता निकाला है कि एक बहुत बड़े इलाके के अंदर एक बहुत बड़ी झील का निर्माण होता है जिसे कायलाना झील कहा जाता है। कायलाना झील अपने आप में बहुत ही ख़ास है क्योंकि यहाँ चारों तरफ ये जो पहाड़ियाँ हैं इनका कुछ हिस्सा देखने को मिलता है। ख़ासतौर पर अरावली का ऐसा जो रंग है वो अपने आप में बहुत ही कम जगहों पर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो अरावली है उसका लाल रंग है, जो सुर्ख रंग है वो देखने को मिलता है। अमूमन यही वो पत्थर है जो कि जोधपुर के मकानों में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो ये कायलाना झील पर हम मौजूद हैं, आगे का और नज़ारा आपको दिखाएंगे कि किस तरह का यहाँ माहौल होता है, कैसा शहर है जोधपुर। बने रहिए हमारे साथ, कैमरामैन सोहन के साथ में और सद्दाम भाई के साथ में अरबाज अहमद, जोधपुर।